हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति वैष्मा आज की वीडियो में हम देखें ये चोली बनाने वाले हैं ये मैंने नौ नंबर के कान्हा के लिए बनाई है एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं तो आसानी से बनाएं और अपने कान्हा को पहनाएं पहनाने के लिए ये खुला वाला हिस्सा हम आगे रखेंगे और जो बंद वाला हिस्सा है वो हम पीछे रखेंगे अगर आप इसका खुला वाला हिस्सा पीछे रखेंगे और बंद वाला आगे रखेंगे तो सेम चोली दस नंबर को भी आ जाएगी तो आसानी से बनाइए और पहनाइए वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए इसके पहले मैंने आपको वीडियो में जीरो से लेके आठ नंबर तक काना की चोली की वीडियो बताई हुई है तो उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जब दस नंबर का अपलोड होगा तो साथ ही दसों साइज का दे दूँगी जिससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप किसी भी साइज में से बना सकते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है काना के लिए अब देखिए इस नौ नंबर के खाना की चोली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये रेड कलर का ऊन लिया है अगर आप देखेंगे तो ये मैं डबल करके यूज़ करती हूँ डबल करने के बाद ये हमारे नॉर्मल ऊन के जितना मोटा हो जाता है बहुत पतला आता है कढ़ाई करने के लिए अब हमें क्या करना है सबसे पहले चेन बनानी है तो उसके लिए हम इस तरह से लूप बनाएंगे जो क्रॉसियाँ हुक है वो मेरी टू पॉइंट में है हम देखें हुक को इस तरह से लूप में डालेंगे खींच के टाइट करेंगे इतना टाइट किया हुक आसानी से सरकती रहे अब हमें यहाँ पर चेन बनानी है देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस मैंने यहाँ पे टोटल पच्चीस चेन बनाई है अब देखिए यहाँ पे एक चेन हमारे हुक्म है इसके बाद हम एक और दो दो चेन छोड़ेंगे और जो तीसरी चेन है मैं थोड़ा सा लाइटिंग चेंज करती हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा ये देखें अभी हमारी जो पहली चेन है इसके बाद हम एक दो दो चेन और छोड़ेंगे और जो तीसरी चेन है हम इसमें इस तरह से डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमने डाला ये हमने बुन दिया फिर हमने ऐसे किया यहीं सेम चेन में डाला फंदे को निकाला तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार दो फंदे से एक बार अब यहाँ स्टार्टिंग में हमने जो तीन चेन छोड़ी थी उसे भी हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं और दो डबल क्रोशिया हमने बना ही ली है तो टोटल तीन डबल क्रोशिया हो गई है अब देखिए अगली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है फिर इसके बाद जो चेन आएगी इसमें हम दो बार बनाएंगे ये एक बार डबल क्रोशिया और यहीं सेम चेन में एक और बार डबल क्रोशिया फिर इसके बाद हमारी जो चेन आएगी उसमें हम एक बार बनाएंगे मींस यहाँ पे हमें एक चेन में एक बार अगली चेन में दो बार फिर तीसरी चेन में एक बार चौथी में दो बार इसी तरह से ये पूरा रो कंप्लीट करना है अभी तक हमने यहाँ पे देखें ये तीन तीन छः एक सात सात डबल क्रोशिया बना दिए क्योंकि हम अपनी स्टार्टिंग के चेन को भी एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं चलिए मैं पूरा रो कम्प्लीट करती हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे बुन दिया है टोटल हमारी यहाँ पे थर्टी सिक्स डबल क्रोशिया आ गई है छत्तीस डबल क्रोशिया है अब हम इसे टर्न करेंगे टर्न करने के बाद हमने इस तरह से दो चेन बनाई ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाता है यहाँ से जो ऊन है हम इस तरह से पकड़ेंगे अब देखिए जो पहली चेन है हमने यहाँ पे डाला फंदे को निकाला तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार दो फंदे से एक बार फिर हमने इस तरह से किया सेम जगह डाला फंदे को निकाला तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार दो फंदे से एक बार अब यहाँ पे हमने देखिए पहली चेन में तो दो बार बना लिया है और स्टार्टिंग में हमने जो दो चेन छोड़ी थी एक डबल क्रोशिया बनाया जाता है उसे तो टोटल हमारी तीन डबल क्रोशिया हो गई है अब हमें यहाँ पे क्या करना है तीन चेन का गैप देना है ये एक चेन में एक बार दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया तीन चेन में मैंने एक बार बनाया और जो चौथी है इसमें दो बार बनाऊँगी तो ये एक और ये दो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे तीन चेन में एक एक बार और चौथी चेन में दो बार तो देखिए पहली चेन में एक बार दूसरी चेन में एक बार तीसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया और जो चौथी है इसमें हम दो बार बनाएंगे ये एक और ये दो तो चलिए मैं इसी तरह से अपना ये पूरा रो कंप्लीट कर दी हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है ये देखिए यहाँ पे बुनते हुए हम लास्ट तक आ गए हैं अब यहाँ पे आपको देखिए एक और दो दो चेन दिख रही होगी बट एक चेन हमारी यहाँ से भी रहती है जो हमने स्टार्टिंग में अपनी तीन चेन मानी थी तीन चेन को एक डबल क्रोशिया माना था उसमें भी हमें बुनना है तो हम उसे स्किप नहीं कर सकते अब देखिए ये चौथी चेन है तो चौथी चेन में हम ये एक और दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगली दो चेन में एक एक बार बना लेना है ये इस तरह से तो ये हमारा हो गया पहली रो में हमारी टोटल छत्तीस थी डबल क्रोशिया अब दूसरा वाला आपको गिन के दिखा देती हूँ देखिए ये स्टार्टिंग में हमें तीन मिल जाएगी एक साथ बंच हमें तीन का मिलेगा क्योंकि हमने दो चेन को भी एक डबल क्रोशिया माना था तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस, बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तिरालीस चौवालीस और पैंतालीस टोटल हमें पैंतालीस डबल क्रोशिया मिल गई है अब हम इसे टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर देखें ये एक Osionfish. दो दो चेन बनाई पहली चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया यही सेम चेन में हमने एक और बार डबल क्रोशिया बनाई है अब हम तीन चेन की जगह छः चेन का गैप देंगे हमें छः चेन में हमें एक एक बार बनाना है तो देखिए पहली चेन में एक बार दूसरी चेन में एक बार तीसरी चेन में एक बार चौथी चेन में एक बार पाँचवीं चेन में एक बार छठी चेन में एक बार और हम सातवें चेन में दो बार बनाएंगे तो सातवें में एक और ये दो डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पे भी वही रहेगा हमारा ये देखिए तीन का वंश पहले ही मिल जाएगा तीन तीन छह तीन नौ दो ग्यारह डबल क्रोशिया अभी तक बन गई है चलिए पूरा रो कंप्लीट करती हूँ इसी तरह से छः चेन में एक एक बार और सातवें चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाकर ये देखिए हमने यहाँ पे बूंद दिया तीसरी रो में हमें टोटल बावन डबल क्रोशिया मिल गई है अब हम फिर इस तरह से यहाँ पे देखिए दो चेन बनाएंगे पहली चेन में ही हमने ये एक डबल क्रोशिया और ये सेम चेन में दो डबल क्रोशिया बना दी अब यहाँ पे हमें छ की जगह नौ चेन में एक एक बार बनाना है देखिए एक चेन में एक बार हो गया दूसरी चेन में एक बार तीसरी चेन में एक बार चौथी चेन में एक बार डबल क्रोशिया पांचवी चेन में एक बार छठी चेन में एक बार सातवीं चेन में एक बार आठवीं चेन में एक बार नौवीं चेन में एक बार अब हमारी जो दसवीं चेन है इसमें हम दो बार बनाएंगे तो ये एक और यहीं सेम चेन में एक और बार बस इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे नौ चेन में एक एक और दसवीं चेन में दो बार इसके बाद वाली जो रो आएगी उसमें हमें नौ की जगह पे बारह चेन में एक एक बार और तेरहवें में दो बार बनाना है तो चलिए मैं ये दो रो कंप्लीट करती हूँ ये वाली और इसके बाद वाली फिर आगे, आगे आपको बताऊँगी क्या करना है ये देखिए मैंने यहाँ तक बुंदिया इसे एक दो तीन चार पाँच पाँच रो बुंदिया चौथी रो में हमें फिफ्टी एट डबल क्रोशिया मिल गई है और पाँचवीं रो में हमें सिक्सटी थ्री तिरसठ डबल क्रोशिया मिल गई है अब हम इसे टर्न करेंगे हमारी जो छठी रो रहेगी वो हम हाफ डबल क्रोशिया की बुनेंगे तो देखें एक दो दो चेन बनाई जो पहली चेन है इसमें हमने इस तरह से तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार दिया फिर देखें ये सेम चेन में डाला तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ जब हम तीनों फंदों को एक साथ उतारते हैं तो उसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं अब यहाँ पे हमें देखिए पंद्रह चैन का गैप देना है पंद्रह चैन में एक, एक बार और सोलहवें में दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे चलिए इस तरह से पूरा रो कंप्लीट करती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये देखिए हमारी यहाँ पे छठी रो भी कंप्लीट हो गई है इस रो में हमें टोटल सिक्सटी सेवन सड़सठ डबल क्रोश सॉरी हाफ डबल क्रोशिया मिल गई है अब ये वाली आप रो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम अपना स्लीव वगैरह डिवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें दस डबल क्रोशिया बुननी है चौदह चैन का गैप देना है उन्नीस डबल क्रोशिया बुननी है चौदह चैन का गैप देना है और फिर दस डबल क्रोशिया चलिए स्टार्ट करती हूँ ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने एक दो दो चेन बनाई ये एक डबल क्रोशिया माना जाता है सभी चेन में एक एक बार ही बुनेंगे ये देखिए दो डबल क्रोशिया हो गया ये तीन हो गया ये चार हो गया टोटल हमें दस बुनना है यहाँ पे ये देखें ये हमारा पाँच हो गया अगली चेन में छः फिर अगली चेन में हमारा ये सात फिर अगली चेन में आठ फिर नेक्स्ट चेन नौ और ये लास्ट दस दस डबल क्रोशिया हमने बना दी इस तरह से करेंगे अब यहाँ पे चौदह चैन का गैप देना है आप ध्यान से देखें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह चेन के बाद हमारी जो पंद्रहवीं चेन है हम इसमें डाल के बुनेंगे तो पंद्रहवें में मैंने डाल दिया और डबल क्रोशिया बन गई अब यहाँ बीच में हमें टोटल उन्नीस डबल क्रोशिया बनानी है तो एक हमारी अभी बनी है हम देखें अभी ये दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे तीसरी यहाँ सभी चेन में हमें एक एक बारी बनाना है चलिए मैं यहाँ उन्नीस डबल क्रोशिया बनाती हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करें ये देखिए हमने यहाँ पे उन्नीस डबल क्रोशिया बना दी है गिन के दिखाती हूँ आप देखिए दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह दो अट्ठारह और ये उन्नीस टोटल उन्नीस हमारी हो गई है अब हमें क्या करना है यहाँ फिर चौदह चैन का कैप देना है तो देखें ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह के बाद जो हमारी पंद्रहवीं चेन है हम इसमें डाल के डबल क्रोशिया बुनेंगे यहाँ पे भी हमें टोटल अपनी दस डबल क्रोशिया मिल जाएगी ये देखिए ये दूसरी ये हमारी तीसरी डबल क्रोशिया ये चौथी डबल क्रोशिया ये पाँच ये हमारी छः ये सात ये आठ ये नौ और ये लास्ट दस दस यहाँ पे हमें मिल गई है बस ये अब हमारा हो गया है अब इसके बाद हम यहाँ पे दो रो प्लेन अपना डबल क्रोशिया का और तीसरा रो हाफ डबल क्रोशिया का बुन देंगे तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी सॉरी दो रो प्लेन ही बुनना है तीसरा रो हमें नहीं बुनना है सिर्फ दो रो हम प्लेन और बुनेंगे यहाँ पे डबल क्रोशे का ये देखिए पहली रो हमारी जा रही है डबल क्रोशे की इसके बाद एक रो और बुनेंगे बस हमारी चोली जो है वो कंप्लीट होगी तो चलिए बुन लेती हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करना है ये देखिए मैंने यहाँ पे ये दो रो बुन दी डबल क्रोशे की अब हम यहाँ पर नॉट लगा के कट कर देंगे इस तरह से ये चेन बनाई और हमने कट कर दिया ये देखिए ये हो गया है हमारी चोली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है आपको नौ नंबर को पहनाने के लिए ये खुला वाला हिस्सा आगे रखना है और ये बंद वाला हिस्सा पीछे रखना है बहुत ईजिली आप इसे पन, पहना सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा इसके पहले मैंने आपको जीरो से लेकर आठ नंबर तक के चोली की वीडियो बता चुकी हूँ और आगे मैं आपको दस नंबर की चोली की वीडियो भी बताऊँगी तो लिंक मैं दे दूंगी अपलोड होने के बाद सभी साइज का डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे